आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा फतेहाबाद रोड पर बनाया गया आई लव माई सेल्फ पॉइंट पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस तरह की एक्टिविटी के माध्यम से ताजनगरी में देशी विदेशी पर्यटकों का नाइट स्टे बढ़ा है। पर्यटन को विकसित करने के लिए सेल्फी पॉइंट आई लव आगरा बनाया गया था। इसका मकसद कि बाहर से या स्थानीय जो पर्यटक होते हैं, आखिर बाहर से आने वाले खास तौर पर पर्यटक नाइट स्टे कर सकें, इसलिए आई लव आगरा जो सेल्फी पॉइंट है उसको बनाया गया था। हमारे साथ कुछ परिवार हैं जो बाहर से आए हुए हैं, आखिर वो यहाँ उन्होंने समय बिताया है, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगा और वो पहली बार आए या आते रहते हैं, तो उनसे जानते हैं कि उनको ये आई लव आगरा जो सेल्फी पॉइंट है वो कैसा लगा। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बिंदिया, मैं लुधियाना से हूँ। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ आगरा में। वो अभी आई वॉज आर टाइम तो नहीं हुआ, बट जितना भी हुआ है, बट आई फील के इट्स गुड। सिटी बहुत अच्छी है और व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। नहीं, कैसा फील किया आपने, मतलब यहाँ जैसे आप आई, अपने भाई बच्चे भी हैं, मतलब तो किस तरह से एंजॉय किया? फील अच्छा लगा, बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगा हमें, नवाबी फीलिंग आ रही है। हाय, मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, माय नेम इज़ नितिका। सो दिस इज़ माय सेकंड विजिट टू आगरा। अच्छा प्लेस है, बट दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट टू दिस प्लेस। अच्छा है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक दिस इज़ द न्यू इन्वेंशन जो इन्होंने किया यहाँ पे फूड कोर्ट का, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आगरा हम आते हैं फॉर ताजमहल ओनली, बट आई थिंक अब कुछ और चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इन रिगार्ड्स टू द टूरिज्म एंड फॉर द टूरिस्ट। सो वी रियली एंजॉयड अ लॉट। नहीं, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने फूड की बात की, तो क्वालिटी, मतलब ये किस तरह का, मतलब क्या क्वालिटी, मतलब डिलीशियस लगा नहीं लगा, या मतलब एक होता कि खा लिया बस ठीक है, मतलब भूख लग रही थी या एंजॉय करना था, लेकिन एक ही होता वाकई में फूड भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी। नहीं, बिल्कुल फूड भी अच्छा है, बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे, सी अगर हम दिल्ली से हैं तो हमें पता है स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है वहाँ पे। आगरा है तो हमने अभी ट्राई किया है कुछ यहाँ पे, लाइक हमने पास्ता वगैरह ट्राई किया है, विच इज वेरी गुड। खाना बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड हियर। जी, या मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम समर है, और काफ़ी अच्छा प्लेस लगा आगरा। सेकंड टाइम विजिट करी है मैंने, फर्स्ट टाइम मैं गया था तो ताजमहल और ताज में स्टे करा था, बस उसी के सराउंडिंग में घूमा था, बट अभी फर्स्ट टाइम मैं इस प्लेस में आया हूँ, तो यहाँ की क्लीननेस वगैरह देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसके आगे जो जंक फूड मार्केट है वो भी काफ़ी अच्छी डेकोरेटेड कर रखी है, और खाने के हिसाब से टेस्ट ओके है, कोई इशू नहीं है। बाकी बच्चों को यहाँ ला के काफ़ी इन्जॉय महसूस करवा रहा हूँ, यहाँ काफ़ी इन्जॉय। बच्चे भी साथ हैं, आइए, सबसे बड़ी बात चूँकि एन्जॉय करते बच्चे करते हैं, तो बच्चों को कैसे लगा? बड़ा, क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, कैसा आपको लगा? मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ आगरा, तो मेरी मासी ताज होटल में वर्क करते हैं, तो उनके साथ ही हम स्टे करते हैं, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, खाना भी अच्छा है, तो मैं तो ध्यान से हूँ वैसे, बेसिकली वैसे बहुत इन्जॉय किया ब्रदर सिस्टर के साथ, फैमिली के साथ, पूल में इन्जॉय किया हमने, अभी कल हम ताजमहल देखने जाएंगे। थैंक यू। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपका ये मन करता है कि दोबारा आए अगर आगरा? यस, ऑफ कोर्स, अब अगर मौका मिलेगा तो दोबारा फिर से आएंगे। यस, आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट इसी मकसद के साथ बनाया गया था कि लोग, ताजमहल देखने आने वाले लोग, फतेहपुर सीकरी देखने आने वाले लोग नाइट स्टे कर सके और यहाँ एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो जंक फूड है या जो यहाँ शॉप है, मतलब बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी एंजॉय कर रहे हैं, और आई लव आगरा जिस मकसद से बनाया गया था वो सपना साकार